हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान मंत्री ऑनलाइन एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट फ्रॉम अवर सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर फिफ्थ यूनिट। द टाइटल इटसेल्फ, द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। So here we are going to start fourth unit, and the name of the unit is A Question of Trust. So let's see what is this about. A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does the story illustrate? So in this story we will see about thief and thieves. Not just one thief will be there, but thieves will be there. So we will see that how many thieves will be there, and what is said, that it is said that you must set a thief. कहा गया है कि आपको एक चोर को सेट करना होता है, टू कैच अ थिफ, चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही सेट करना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड, पर यह भी कहा गया है दैट देर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिफ्स, कि जो चोर होते हैं बहुत उसमें भी ऑनर होता है। तो देखते हैं इसमें, ये स्टोरी में क्या होता है। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for a test of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Stanley was good and respectable, but not completely honest. Okay, so here we have the illustration of one character, and that is Horace Stanley. So everyone thought, sab log ye sochte the ki Horace Stanley was a good, honest citizen. कि जो हॉरेंस है वो अच्छा और ईमानदार सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड, एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हाई फीवर इन समर। तो समर में उसे बहुत हाई फीवर हो जाता था, बाकी वो बहुत अच्छा खासा था, हेल्थ वाइज अच्छा था और हैप्पी भी था। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. He had two helpers, and what was his business? He was making locks and he was very successful in his business. Yes, Horace Stanley was a good and respectable. जो हॉरेंस था वो बहुत ही अच्छा और respectable, उसका respectful उसका नाम था business में। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अच्छा था बट इट वॉज नॉट एसेंशियल दैट ही वॉज कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत अच्छा था पर वो पूरा ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो हॉरेंस हैड सर्वड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. So 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, usse kya pasand tha? Rare, expensive books bahut pasand thi. तो उसने क्या किया, ही रॉब्ड अ सेफ एवरीवेयर एवरी ईयर। सो एवरी ईयर हर साल वो एक एक बार चोरी करता था सेफ
जो होता है वो लूटता था, रॉब करता था, चोरी करता था हर साल. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल वो बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करता था. जस्ट वॉट ही वुड डू, उसे क्या करना है उसकी प्लानिंग वो हर साल करता था. स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, इतना वो चुराता था कि 12 मंथ्स के लिए उसके लिए काफ़ी होता था. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और उसने क्या किया, जो बुक्स उसे पसंद थी उसने सीक्रेटली खरीद ली. ही लव्ड थ्रू द, तो इस तरीके का वो बहुत ही ऐसा डिसऑनेस्ट पर्सन हम लोग कह सकते थे. ही वॉज नॉट मच ऑनेस्ट पर्सन, बट ही वॉज रॉबरिंग द सेफ एवरी ईयर बाय प्लानिंग द थिंग्स. देन नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he left, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. So here what did he do? Now walking in the bright July sunshine. तो जुलाई का मंथ चल रहा था और वहाँ पर वो चल रहा था. He felt sure that this year's robbery, वो क्या सोच रहा था कि ये साल की जो रॉबरी है वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है. जैसे जैसे हर बार होती है वैसे ही इस बार ही बहुत ही सक्सेसफुल उसकी चोरी होने वाली है. फॉर 2 वीक्स ही हैड बिन स्टडिंग, लास्ट 2 वीक से वो सब ऑब्जर्व कर रहा था जहाँ पे उसे चोरी करनी थी वहाँ पे. स्टडिंग द हाउस एट शॉटोवर ग्रैंग, लुकिंग एट इट्स रूम, वो वहाँ के रूम्स जो थे वो ढूंढ रहा था और फिर देख भी रहा था कि कैसा है, कैसा था इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके इलेक्ट्रिक वायर भी थे, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, कैसा कहाँ से कैसे जाए, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसीलिए क्योंकि ही वॉज अ थिफ, दैट्स व्हाई ही वॉज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ऑल द पॉइंट्स. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. जो उसके घर में 2 servants थे, पूरा फैमिली कहाँ पे गया था, लंदन में गया था, इसलिए ये जो 2 servants थे वो भी मूवीज़ देखने के लिए चले गए थे. Horace saw them go, Horace ने वो लोगों को, servants को जाते हुए देखा. And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. फिर ही फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी देम गो, क्योंकि उसे वहाँ पे रॉबरी करनी थी इसीलिए. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन की दीवार के पीछे से आया. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, तो उसकी जो बैग थी वो पीछे से अच्छे से पैक की हुई थी. देर वेर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्यूल्स इन द ग्रैंग सेफ, जो सेफ था मतलब कि तिजोरी जो थी उसमें कितने पाउंड्स थे, 15,000, काउंट करो पाउंड्स में, नॉट इन हमारी करेंसी नहीं पाउंड्स में है. तो यहाँ पे देर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्यूल्स, तो ज्यूल्स की कीमत अप्रॉक्स 15,000 pounds थी जो वहाँ पे ग्रैंड के सेफ में थी. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. So, अगर वो ये चोरी कर लेता है, अगर वो ये सब ले लेता है one by one, तो उसने क्या expect किया कि वो at least 5,000 तो he expected to get
एटलीस्ट 5,000 enough to make him happy for another year. तो उसमें से उसने 5,000 के वर्थ का अगर वो ले लेगा तो नेक्स्ट ईयर तक वो एकदम से निराश होके वो रह सकता है और बहुत हैप्पी रह सकता है नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि हर साल वो रॉबरी करता है. तो इस साल के लिए मतलब कि नेक्स्ट ईयर का वो सोच रहा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मैं लूँ तो मैं हैप्पी हो सकता हूँ, इट विल बी इनफ फॉर मी. सो मे बी 5,000 विल बी इनफ फॉर हिम. देर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम. देर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग इन सेल इन द ऑटम. तो ऑटम की सीजन में 3 बुक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स है वो आने वाली है सेल में. मतलब कि उसका हॉबी था रीडिंग करना, इसलिए उसने रॉबरी भी बुक्स के लिए की थी. तो यहाँ पे वो जो कुछ भी रॉबरी करने वाला था वो अपनी बुक्स खरीदने के लिए भी वो सोच रहा था. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम. अब वो उसके लिए जो मनी चाहिए, उसके लिए जो पैसे चाहिए, तो वो उसे इस तरीके से मिल जाने वाला था. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. सो ये वी कैन सी हाउ इंटेलिजेंट थिफ ही वॉज. सो he entered with wearing the gloves. He had seen the housekeeper. उसने क्या देखा कि जो housekeeper था उसने किचन के बाहर जो डोर था वहाँ पे हुक में कीज लगाई हुई थी, हैंग की हुई थी, लटकाई हुई थी. He put on a pair of gloves. उसने gloves अब पहन लिए. देखो अब वो घर के अंदर एंट्री कर रहा है. Took the keys. फिर क्या किया उसने, पहले gloves पहन लिए ताकि कीज़ में कोई भी फिंगरप्रिंट ना रह जाए. देन टुक द कीज एंड ओपन द डोर. फिर उसने जो दरवाज़ा था वो ओपन किया. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. वो हमेशा ऐसा केयरफुल रहता था कि कभी वो अपनी फिंगरप्रिंट्स कहीं पे ना छोड़ जाए. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. जो एक छोटा सा डॉग था वो किचन में सो रहा था. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. So here, जो dog था वो उसके सामने देख रहा था और थोड़ी आवाज़ भी कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अननोन पर्सन फॉर द डॉग. दैट्स व्हाई ही वॉज मेकिंग नॉइसेस. और पर फिर उसने फ्रेंडली वे से अपनी जो पूंछ थी, कुत्ते की जो पूंछ थी, वो अच्छे से फ्रेंडली वे से हिलाने लगा, जैसे कोई पहचान वाला हो. अगर स्ट्रीट वाला कोई डॉग हो तो स्ट्रीट के पर्सन को देख के जैसे पूंछ हिलाता है. अगर कोई पालतू कुत्ता है तो अपने खुद के घर के लोगों को देख के जैसे पूंछ हिलाता, वैसे ही इसे दिख के हिलाने लगा. वाई ऑल राइट शेरी हॉर्न सेड एज ही पास्ड. जैसे ही वो वहाँ से पास हुआ उसने बोला ऑल राइट शेरी. तो शेरी यहाँ पे किसका नाम है, कुत्ते का नाम है. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट. आपको कुत्ते को शांत रखने के लिए क्या करना होता है, वॉज टू कॉल them by their right names. उसके सही नाम से अगर आप पुकारते हो तो उसे क्या फील होता है, that is non-person. Their right names and show them love. और उसे अगर कुछ प्यार जताना है, उसे प्यार दिखाना है, अगर कुत्ते से डरते हैं या फिर ऐसा कुछ है तो it was the trick. तो ऐसी ट्रिक उसने अपनाई बिकॉज दैट ही वॉज अवेयर अबाउट द ऑल द थिंग्स. क्योंकि वो लास्ट 2-3 वीक्स से उस पर नज़र रख रहा था तो उसे उसका नाम भी पता होगा. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम.
बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. तो सेफ कहाँ पे था? जो पुअर पेंटिंग थी उसके पीछे वाला में था, और वो पूरा कहाँ पे था? ड्राइंग रूम में था. हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. हॉरेंस जो था वो एकदम वंडर हो गया एक मोमेंट के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. उससे पिक्चर्स खरीदनी है या फिर बुक्स खरीदनी, उसके लिए वो एकदम सा वंडर हो गया. बिकॉज द पेंटिंग्स वेर वेरी ब्यूटिफुल बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस. बुक्स वेर बेटर, पर पेंटिंग्स के लिए बहुत बड़ा घर होना चाहिए. मतलब कि अगर बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदते तो उसे हैंग करने के लिए भी अच्छी वॉल्स होनी चाहिए, अच्छा बहुत बड़ा घर होना चाहिए, और अगर छोटा घर है तो उसके लिए बुक्स ही बेटर है, ऐसा उसने सोचा. देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेंस फेल्ट हिज नोज टिकल. तो फिर से उसका जो नोज था वो टिकल सा हो गया, कुछ होने लगा नोज में ऐसा कुछ, और क्योंकि जो टेबल था उसमें फ्लावर्स का बहुत बड़ा बॉल था. ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न. उसके पास क्या था? पूरा बैग था, उसमें जो कुछ भी टूल्स थे वो लेके वो आ गया था, केयरफुली अरेंज्ड. एंड ही हैड एटलीस्ट 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. उसके पास एटलीस्ट 4 hours थे. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि वो जो था वो बहुत ही अच्छा, उसका जो business था वो lock का था. So it was not hard to open that safe. So the safe was not going to be hard to open. After all, क्यों? क्योंकि वो अपने locks के साथ ही रहता था. तो ये सेफ जो था वो ऐसा हार्ड नहीं था कि वो ओपन ना कर सके. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो बर्गलर अलार्म था वो बज रहा था, क्योंकि हो सकता है कि जो अगर सेफ ओपन कोई करे तो उसका एक अलार्म बज जाए, तो वो अलार्म बजा था. तो ही वेंट इन टू द हॉल. हॉल में जो अलार्म का जो वायर था वो अलार्म का वायर कट करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचा, और जब वो लौटा एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. क्योंकि जो फ्लावर्स की स्मेल थी उसे उससे बहुत ऐसी नाक में कुछ हो रहा था, तो बहुत से स्नीजिंग हो रहा था उसका नोज, क्योंकि अब उसे जो फ्लावर्स की स्मेल थी वो आ रही थी. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेंस थॉट. मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर्स ऑफ हिज दिस रूम. द राइटर हैड इवन मैंशन दैट The painting hide a safe. देखो यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा घर है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो आर्टिकल लिखने वाले राइटर को कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर वो क्या छपता है अपनी मैगज़ीन में, वो बहुत ही केयरफुली रहना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे फुलिश लोग होते हैं, कि जो अपने वैल्यूएबल थिंग्स होती है उसे ही इस तरह से एक्सप्लेन करते. एक मैगज़ीन है जहाँ पे ये पूरे घर का प्लान दिया गया है कि कौन सा रूम कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ पे जा सकते हैं, सब कुछ एक आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है. ये हाउस के बारे में पूरा प्लान दिया गया है, और राइटर ने इवन द राइटर हैड मैंशन दैट द पेंटिंग हाइड द सेफ, कि जो पेंटिंग थी वही वो सेफ को छुपा रही थी. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. पर ये जो flowers है वो उसके काम के बीच में आ रहे थे. He buried his face in his handkerchief.
रुमाल से उसने अपना जो फेस था वो ऐसे बांध लिया, ढक दिया. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. अब देखो डोरवे से एक आवाज़ आ रही है. व्हाट इज दिस, अ कोल्ड और हैव फीवर? अब कोई बोल रहा था, कौन है ये? हॉरेस तो नहीं है. हॉरेस को पूछ रहा है कि ये क्या है, अ कोल्ड और हैव फीवर, मतलब कोल्ड है आपको या फिर हैव फीवर है आपको, हाई फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हैव फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. कुछ सोचे उसके पहले ही उसने बोला कि ये हैव फीवर है, हैव फीवर है, और उसने फिर से स्नीज किया. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. तो जो आवाज़ आई उसने क्या किया, क्या बोला, यू कैन क्योर इट, आप उसे क्योर कर सकते अपना हाई फीवर को विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से आप उसे अच्छा कर सकते हो. यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू दिस डिसीज, अगर आपको पता चल जाए कि चल जाएगा कि ये जो डिसीज है वो कौन से प्लांट में से आपको है. आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, आई थिंक आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, दिखा देना चाहिए. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने वर्क के बारे में बहुत सीरियस हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने आपको घर के ऊपर से यहाँ पे आप स्नीज करते कर रहे थे वो सुना. सो दैट इज़ द मिस्ट्री दैट हुज दैट न्यू कैरेक्टर हु केम व्हेन दैट हॉरेंस वॉज जस्ट व्हाट डिड ही डू, ही वॉज जस्ट रॉबरिंग एवरीथिंग, राइट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम हमारा आज का लेक्चर रखते हैं. तो आपके होमवर्क में ये दो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, रीड एंड फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस. सो इट विल बी योर होमवर्क, ओके. So if you find any difficulties regarding this, you are free to ask me. And the another thing in your homework, that whatever you have understood about that character, who's that character? Horace. तो आपको Horace के as a character sketch करना है. Sketch means कैसा था वो, उसकी हॉबीज़ क्या थी, उसका नेचर क्या था, वो आपको लिखना है, ओके. सो दिस टू क्वेश्चंस प्लस हॉरेंस डैन बाय अ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ओके. सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन टाइम, ओके स्टूडेंट्स. बाय एंड हैव अ नाइस डे.